ये नेता बगैर अपराधी माफियाओं के जिन्हें तो चुनाव जीत ही नहीं सकता है। और चल रहा है मार्केटिंग। नीतीश कुमार जी, पहले यदि मानव श्रृंखला लगाना हो तो अपराधी और माफियाओं के खिलाफ मानव श्रृंखला लगाइए, रोजगार के लिए लगाइए, अपने नायक के बढ़ने के लिए और मार्केटिंग के लिए गरीबों के पैसे का इस्तेमाल चपरासी से लेकर कलेक्टर तक, एसडीओ से लेकर थानेदार तक, सब सड़कों पर, सब मुखिया जी से लेकर ममता जी का आशा सबको डरा रहा है। टोला सेवक न्यायमित सबको खौफ पैदा किया जा रहा है, पंचायत समिति सबको। नीतीश जी, कितना रौनक बचेगा अब? कहीं होकर कहीं रौनक। एक दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, 2 दर्जन से ज्यादा बलात्कार, और तीसरे तरफ मानव श्रृंखला के लिए पूरा गरीबों का पैसा, बजट का पैसा पानी की तरह खर्च करना, ये न्याय नहीं है नीतीश जी। मानव श्रृंखला जंग के लिए हो और अपराधी माफिया और नेताओं को मिटाने के लिए हो। हम एसपीडी ट्रायल चाहते हैं। एक हत्यारा एक नहीं है, कई हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर एसआईटी से जांच हो और हत्यारे को 3 महीना के अंदर सजा दी जाए और फिर कोई रौनक न छीना जाए इसकी, इसके लिए आगे की लड़ाई लड़े, सिर्फ राजनीति न करे।